Hello friends, welcome back to the class of NPC. My name is Srupti and today we will discuss about some important assertion reason MCQs from your chapter 2 electrostatic potential and capacitance. And in our last video we have discussed about the MCQs and quick revision from your chapter 2. And if you want to watch that videos, then please in the description box there will be a link. Click this link and you will be get able to easily all that videos related to CBSE term 1 exams. Okay, all right, we are going to start our class assertion reason MCQ. So number first, before I start the class, I want to share one important thing. Aap assertion reason MCQs ko solve karne se pehle एक बात माइंड में स्टोर करके रखें, वो ये है कि इनके स्टेटमेंट को, ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को आपको केयरफुली रीड करना है और जो भी स्टेटमेंट हो, असर्शन हो, रीजन हो, उससे या उसके टॉपिक के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप आना तो सिलेबस में से ही है, तो सिलेबस में से आपके कंप्लीट टॉपिक्स, पहले क्विक रिवीजन में कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में आप स्टडी करें एंड देन आप इन्हें सॉल्व करें. डायरेक्टली आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है. असर्शन रीजन क्वेश्चंस में आपको फोर ऑप्शंस आएंगे जो कि कॉमन होंगे सभी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है. फोर ऑप्शन है आपके पास. फर्स्ट ऑप्शन में ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट होंगे एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, सेकंड में दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेन नहीं करता है, रीजन एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को. एंड थर्ड में फर्स्ट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. एंड लास्ट वन इज बोथ आर फॉल्स. ओके, सो इस तरह फोर ऑप्शंस आएंगे और सभी क्वेश्चंस के लिए फोर ऑप्शंस कॉमन रहेंगे, ठीक है. आपको ध्यान से अच्छे से केयरफुली रीड करना है पहले स्टेटमेंट को और उसके बाद में फिर कंक्लूजन पे पहुंचना है, ठीक है, कि ऑप्शन ए बी सी और डी क्या राइट होगा. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असर्शन, ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो एट सेम टाइम, ठीक है. एक पर्टिकुलर टाइम में, सेम टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकते, ठीक है. अब ये सही है या नहीं, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए और रिलेशन हमने पढ़ा है इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर. ई कब जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कब जीरो होगा, जब हम पोटेंशियल को कॉन्स्टेंट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है. सो ई जीरो मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल साइमल्टेनियसली जीरो, ठीक है. सो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है. कैन नॉट भी लिखा हुआ है, मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट. अब इसका रीजन ये है क्या, फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो ये रीजन तो नहीं है, रीजन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक्सप्लेन किया, इस तरह का रीजन होगा कुछ, ठीक है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है. ऑप्शन बी में ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल. एक इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करता है और उस मूवमेंट का कारण क्या है, रीजन क्या है, ठीक है. तो देखो, ये हायर पोटेंशियल को हमेशा हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और ये है आपका लोअर पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव. अब यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्ट करता है. सो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा. सो स्टेटमेंट असर्शन का तो सही है और इसका रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उस वो तो रीजन में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज. यस, इसका जो रीजन है, स्टेटमेंट का रीजन बिल्कुल राइट है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव चार्जेस प्लस क्यू इच आर प्लेस्ड एट फाइव वर्टाइजेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. अ सिक्स चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन. ओके, देन नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पेंटागन दिया हुआ है और इस पे इसके सेंटर पर, एग्जैक्ट सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज पुट किया हुआ है. ठीक है, इसके वर्टाइसेस पर प्लस क्यू चार्जेस हैं इस तरह से. ओके, सो आपको बताना है कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा या नहीं. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमेट्री के केस में जीरो होता है. ओके, सिमेट्री के केस में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का इन सभी के लिए वेक्टर सम करेंगे, ठीक है, वेक्टर सम करेंगे पॉलीगोन लॉ से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो. ठीक है, मीन्स ये सही है. अब यहाँ पर जो लॉ यूज करेंगे वो पॉलीगोन लॉ होगा. सो यहाँ इसका रीजन देखते हैं, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो, पोटेंशियल जीरो होगा कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू को जीरो, बट पोटेंशियल जीरो होगा सेंटर पर या नहीं होगा. ठीक है, तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका आप सम करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे. ओके, सो
सेकेंड रीजन करेक्ट नहीं है, बट ये जो स्टेटमेंट ए है ये करेक्ट है, ठीक है, ये फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेस. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सर्फेस के नॉर्मल में होती, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है. इस तरह अगर आप एक पॉइंट चार्ज ले लें तो इसके अराउंड स्पीयर होगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होगा, स्पीयर होगा. अब इसके परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से दी जाएगी, ठीक है, इस सर्फेस के परपेंडिकुलर. सो ये इतना जो लाइन है वो, ठीक है, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल. अब पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है. ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग को, ठीक है, मीन्स पोटेंशियल और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा. इसका मतलब ये जो नेगेटिव साइन है ये डिक्रीजिंग को शो कर रहा है, ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है आपका, ओके. अब इसका रीजन क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड. यस, इलेक्ट्रिक नेगेटिव ग्रेडियंट. ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, जब कोई क्वांटिटी डिस्टेंस से डिवाइड होती है, डिस्टेंस से उसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है. तो पोटेंशियल का डिस्टेंस से डिफरेंशिएशन, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इक्वल्स टू होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, या नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो ये रीजन आपका करेक्ट हो जाएगा. सो आपका 55 का ऑप्शन आंसर जो होगा वो ए होगा, ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग इक्विटोरियल लाइन. अब इक्विटोरियल लाइन के अलोंग वर्क डन होगा या नहीं होगा, ठीक है. तो देखो, वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, पोटेंशियल चेंज के, ठीक है, वी वन माइनस वी टू. अगर हम इक्विटोरियल लाइन पे टू पॉइंट्स लें और दोनों के जो पोटेंशियल, दो पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल वी वन फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकेंड पॉइंट के लिए वी टू हमने कंसिडर कर लिया, और डिवाइडेड बाय, सॉरी, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू बाई क्यू के, ठीक है, W by Q के. तो ये W by Q कर दिया. अब वर्क डन होगा V1 माइनस V2 इंटू Q, ठीक है. अगर इक्विटोरियल लाइन के अलोंग कंडीशन दी हुई है, गिवन है, सो V1 दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है, पोटेंशियल सेम होंगे, इन द सेंस ये जो टर्म है वो जीरो बन जाएगा. सो वर्क डन जीरो हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे नो वर्क डन होगा, ठीक है, ये राइट हो गया. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एवरीवेयर जीरो ऑन द इक्विटोरियल लाइन, ओके. इक्विटोरियल लाइन के सभी जगह जीरो होगा, ठीक है. तो देखो, इक्विटोरियल लाइन के सभी जगह, इसके अलोंग में जीरो होगा बट सभी जगह जीरो नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी. अभी तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अभी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, देन यहां पर सभी जगह में जीरो नहीं हो सकता, ओके. नाउ सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 56 का फर्स्ट राइट है और सेकेंड रॉन्ग है. सो सी विल बी योर आंसर. नाउ नेक्स्ट 57, द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन टू, ठीक है. पोटेंशियल के बारे में आपको, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की डिफाइन नहीं होती, टू चार्जेस, टू और मोर देन टू चार्जेस के लिए है, टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है. एक चार्ज को हमने दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं और उस पर जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो वर्क डन होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये जो है इज अनअल्टर्ड वॉट एवर वे द चार्जेस आर ब्रॉड टू द स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है. मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है. एक ये आपका चार्ज है और एक आप सेकेंड चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक ला रहे हैं इस रीजन में, ओके ओके, ठीक है. तो ये तो पोटेंशियल हो गया, बट हम सिस्टम ऑफ चार्ज क्यू वन क्यू टू, इससे इन सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक पॉइंट से अदर पॉइंट पर लाते हैं, तो जो वर्क डन स्टोर होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा. अब ये जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट, आप किसी भी पाथ के थ्रू इस पॉइंट से ये पॉइंट तक ला सकते हैं इन चार्जेस के सिस्टम को, ठीक है. तो ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ओके. सो 57 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है. ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला करेक्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन भी ये है कि पाथ इंडिपेंडेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस मूव अवे फ्रॉम इच अदर, ठीक है. टू चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो अवे हो रहे हैं, इसका मतलब तो ये, इसका जो रीजन है वो तो यही है कि अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है. रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर क्रिएट होगा, एंड देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो यू होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस का रिलेशन, यू इज इक्वल टू होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है. जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है.
U is means energy, potential energy is inversely proportional to R, तो statement first तो आपका right है. But second देखते हैं, change in potential energy between two points is equals to the work done by the electrostatic force. Means potential energy दो point charges के बीच में equal to होती है work done by the electrostatic force के. Yes, work done की या potential energy की जो definition है उसके according तो यही है, ठीक है, उसके according यही है. electrostatic फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ता है. तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, बट असर्शन मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर अभी देखा है. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड कंडक्ट वॉल्यूम. ठीक है, मीन्स आप सपोज करो कि आपके पास टू कंडक्टर्स हैं जिनके चार्जेस इक्वल हैं एंड वॉल्यूम इक्वल हो. ठीक है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में. मस्ट आल्सो हैव सेम. अब अगर दोनों पोटेंशियल एंड वॉल्यूम इक्वल हैं होंगे तो पोटेंशियल भी सेम होगा, आपको ये बताना है. तो पोटेंशियल डिपेंड करता है, वी इज डिपेंड करता है के क्यू बाई आर, मीन्स क्यू पर चार्जेस पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. ठीक है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है. तो ये जो ऑप्शन है आपका ये तो रॉन्ग हो जाएगा. अब नेक्स्ट रीजन देखते हैं, पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड वॉल्यूम. तो हमने अभी कहा है कि पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है वॉल्यूम पे, तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, इन द एब्सेंस ऑफ an external electric field, the dipole moment per unit volume of polar dielectric is zero. तो सबसे पहले polar के बारे में आपको पता होना चाहिए, polar और non-polar substance. Polar substance में क्या होता है कि two charges हैं और उनके centers जो हैं, two dipoles हैं, dipole में different nature के charges होते हैं. So इनके जो centers हैं वो एक दूसरे से separate हैं, एक दूसरे से distance पर हैं. और non-polar में क्या होता है कि दोनों का सेंटर, डाइपोल का सेंटर जो है वो एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर आता है. ओके, तो जो पोलार कंडक्टर्स हैं या पोलार मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, एक एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा. ओके, अब देखो, अब इसके अराउंड हम एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दें. गिवन है क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल फील्ड को अगर आप जीरो कर दें तो क्या होगा. इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड is zero, the dipole moment per unit volume of a polar dielectric is zero. Means अगर आपने external field, electric field को zero किया तो ये जो system है, polar system है, ये dipole की तरह behave करेगा और dipole का net जो charge है वो net force जो है वो क्या होगा, zero. ठीक है, net charge means आप अगर net charge निकालना चाहे तो plus q और minus q means zero. तो आपका option one is correct. वन इज करेक्ट. अब सेकंड रीजन देखते हैं इसका, द डाइपोल ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने के बाद जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उनके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं, मीन्स लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल डाइपोल. ठीक है, तो यस, इसका रीजन ये है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर मोलिक्यूल डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट. पोलार मोलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि पोलार मोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके सेंटर सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू है, ये तो डाइपोल बन गया है. उनके सेंटर भी सेपरेटेड है, अगर सेंटर्स एक पॉइंट पर है तो ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये परमानेंट डाइपोल नहीं होगा. बट यहाँ पर दोनों के सेंटर्स डिफरेंट डिफरेंट है तो ये एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा. ठीक है, मीन्स ऑप्शन ए विल बी राइट. नाउ रीजन, इसका रीजन ये है, इन पोलार मोलिक्यूल the center of positive and negative charges coincide, even when coincide तो नहीं करते हैं, तो ये option आपका wrong होगा. Okay, next question, a capacitor can be given only a limited quantity of charge. एक capacitor है जिसमें जो charges हैं उनको store करने की जो quantity है वो limited होती है. तो yes, एक capacitor है जिसका capacitance, capacitance in the sense ability of capacitor. Okay, और capacitance क्या होता है, किसी भी capacitor का C is equals to Q by V. ठीक है, जितना चार्जेस होगा ज़्यादा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा. और एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटर में कैपेसिटेंस उसका हो सकता है. ठीक है, उसमें चार्जेस अवेलेबल हो सकते हैं. ये आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि अनलिमिटेड चार्जेस आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा. ओके, नाउ इसका रीज़न देखते हैं, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड सराउंडिंग मीडियम. यस, कैपेसिटर का और एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, C is equals to epsilon naught A by D. अब इससे आप पता कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से आप इजीली ये भी बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है
वो एरिया पर डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, एंड एप्सिलॉन नॉट इसके नेचर पर डिपेंड करता है। जो भी आप मीडियम यहाँ पर कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच में लेंगे उस मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट। ठीक है, शेप साइज सभी पर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट है, ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट है। ओके, तो इसका जो रीजन है वो यही है, फर्स्ट का रीजन गिवन है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर ए विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड। अब डिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रिलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, तो आपका ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, वो इंक्रीज होती है जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा तब कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं कैपेसिटेंस, सेकंड रीजन देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यस, ऑफकोर्स नॉट। ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज हाफ, अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिस्टेंस को, ठीक है, इनिशियली डिस्टेंस डी थी, इनिशियली क्या थी, डिस्टेंस डी, अब जो चेंज किया है वो डी बाई टू हाफ हो गई। ओके, एंड डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेट थ्री टाइम्स, जो इनिशियली डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के था और वो चेंज हो के टाइम्स इंक्रीज हो गया, मीन्स थ्री के बन गया। ओके, नाउ कैपेसिटेंस सिक्स टाइम हो जाएगा, तो आपको इसे प्रूफ करना होगा। ठीक है, इसे प्रूफ करने के लिए आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होगी। सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिखेंगे, एंड ए, एरिया के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है तो एरिया सेम है, डिवाइडेड बाई डी, ये आपका इनिशियली हो गया। अब जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के की वैल्यू थ्री के हो गई यहाँ से, मतलब न्यू कैपेसिटेंस होगा के डैश, तो के डैश की वैल्यू थ्री के, एंड ए इज सेम, डी डिस्टेंस डी बाई टू हाफ हो गई, सो डी बाई टू, टू न्यूमरेटर में जाएगा तो थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स। ठीक है, सिक्स एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, और ये जो वैल्यू है वो है सी, सो सिक्स टाइम्स सी। ओके, सो न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सिक्स टाइम्स, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ इसका रीजन क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल बिटवीन द प्लेट्स। यस, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, बट एग्जैक्टली ये रीजन इसका जो है वो फॉर्मूले से आया है। ठीक है, इसका रीजन क्या आया, ये फॉर्मूले से आपका आंसर हुआ है, तो रीजन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, नेचर पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट के पर डिपेंड करता है, बट डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है। अगर डायमेंशंस यहाँ ऐड होता तो आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करते, बट डायमेंशंस ऐड नहीं है। ठीक है, रीजन करेक्ट है बट रीजन इनसफिशियंट है, ओके, ये बोल सकते हैं, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी, बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया, तो चार्ज क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चार्ज जो है वो कांस्टेंट वैल्यू में कंडक्टर में रहेंगे, कैपेसिटर में रहेंगे, एंड नाउ इफ इट्स प्लेट्स आर सेपरेटेड फर्दर द पोटेंशियल एनर्जी विल फॉल। अब जो प्लेट्स हैं आपके पैरेलल प्लेट्स है वो सेपरेट कर दी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी फॉल होगी या डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, ये आपको बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस में पहले रिलेशन आपको फाइंड करना होगा, E इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। ठीक है, ये रिलेशन होगा। अब क्यू स्क्वायर सी का जो फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहाँ से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, मीन्स इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, एंड इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पर आपका तो रॉन्ग हो जाएगा, सेपरेट का मतलब कि दूर दूर करना है, मीन्स डिस्टेंस को बढ़ाना, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी कम नहीं होगी, फॉल नहीं होगी, सो ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट। नाउ रीजन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज नॉट इक्वल टू द वर्क डन इन चार्जिंग इट। ठीक है, एनर्जी स्टोर, जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में वो वर्क डन पर डिपेंड नहीं करती है चार्जिंग के दौरान, सो यस नहीं करती है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।